और मैंने कहा अभी देखो आगे साइन बोर्ड पे लिखा होगा जियो और जीने दो, ये लिखा होगा, इसका मतलब यही है कि फोड़ो और खुद भी तुम्हें कोई किसी दिन कोई फोड़ के चला जाएगा। इस स्टाइल में मैंने कहा जियोगे। तो वो हर वक्त ना यही करते रहते थे, भाई ये क्यों आ रहा है, भाई ये आंख से क्यों आ रहा है, भाई ये कौन सा तरीका है। तो अल्लाह का शुक्र है एक दो हफ्ते रहे, फिर वो तमीज से ड्राइविंग उन्होंने शुरू कर दी। उनको भी जहां से मौका मिलता निकाल के ले जाए। मैंने कहा अब आप सच्चे पाकिस्तानी बन गए। तो ये दाढ़ी वालों का मसला नहीं है, ये तो दाढ़ी बगैर दाढ़ी सभी कर रहे हैं भाई। लेकिन उनको वो खशखशी दाढ़ी पे भी उनको बुरा लग रहा था। उन्होंने कहा ये देखो इतनी दाढ़ी है ना इसलिए गलत गाड़ी चला रहे हैं। हमने अपने शेख से सीखा, मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला, वो बहुत सख्त। मैं जब पहली दफा हजरत के पास गया तो बाइक हमने खड़ी कर दी, बिल्कुल दीवार से चिपकाई थी लेकिन और भी चिपकाने की गुंजाइश थी, उतनी नहीं। हजरत ने फौरन बुलाया कि ये बाइक खड़ी कैसे की है, इससे चलने वालों को तकलीफ होगी। हमने कहा रोड तो खुला हुआ है, गाड़ियां तो गुजर सकती हैं। फरमाया गुजर तो सकती हैं लेकिन आसानी से नहीं गुजर सकती, और दीवार से चिपका हुआ इसमें। तो वो थोड़ी सी हमने वहां जाके तमीज का पता चला, यार ऐसे भी होता है। तो वो तो मजहब का हुक्म है ना, ये तो शरीयत का हुक्म है, लेकिन कौन चल रहा है मजहब पे, कौन इतना मुल्क की कवानीन मानते हैं ना मजहब को मानते हैं, तो फिर तो यही हाल होगा। और ये हमारा कसूर नहीं है, ये हुक्मरानों का कसूर है। हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है कौम को तरबियत देना, वालदैन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वालदैन को भी तो कोई तरबियत देगा ना। ये जो जिन मुल्कों में आपको ये मिलेगा ना ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी और बिला जरूरत हॉर्न नहीं बजा रहे, इनकी हुक्मरानों ने कई कई महीने कई कई साल लगाए हैं, ट्रेनिंग दी है, फिर जाके ये यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं, फिर ऐसे ही चलेगा। और हमारे यहाँ याद रखो जितनी ट्रैफिक की कवानीन की पाबंदी की जा रही है वो भी इसलिए कि हमारा अपना कल्चर थोड़ा सा अच्छा है जाति। अगर हम उन जैसे होते ना और हुकूमत हमारे जैसी होती तो फिर हमसे बड़ा जो है ना वो यारी जंगल बना होता पूरा मुल्क फिर। तो अगर हमारे यहाँ कोई खैर है तो वो इस्लाम की वजह से है और हमारे कल्चर की वजह से है। उनके यहाँ अगर कोई खैर है तो उनके कल्चर की वजह से नहीं है, वो हुकूमत की वजह से है। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है, उनका जो कुछ है उनमें खैर है हुकूमत की वजह से है। और हमारे यहाँ अगर कोई खैर है तो हमारे मजहब की वजह से और हमारे कल्चर, क्योंकि हमारी हुकूमतों ने हमारी तरबियत की जरा बराबर भी कोशिश नहीं की। सबसे पहले बदतमीजी इंसान स्कूल से सीखता है, क्योंकि टीचर लेट पहुंच रहा होता है क्लास में, वहीं से तालिबे लेट पहुंचना सीखता है। और टीचर माशाल्लाह अब तो टुखाइयों पर पाबंदी है, पहले जो टीचर थोड़ा सा शरीफ तालिबे मिल जाए तो धुनाइयां जो उसकी लगाया करते थे, गालियां और पता नहीं क्या क्या स्कूलों में चलता था। अब अल्लाह का शुक्र है ये माहौल खत्म हो गया। कहां से कहां बात चली जाती है भाई, फिर आ रहे हैं दोबारा उसी तरफ। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम, कि जो लोग अपने रब के साथ कुफर करेंगे तो क्या पता चला कि अल्लाह की नजर में मुजरिम वो लोग हैं जो अपने पालने वाले का इनकार करें। समझ रहे हो, जो अपने पालने वाले का, इसको तो दुनिया जुर्म समझती नहीं है। तो चूंकि जन्नत अल्लाह ने बनाई जहन्नम अल्लाह ने बनाई, तो पास भी कौन कर, पेपर जो है ना जो एग्जाम एग्जाम के लिए जो अल्लाह ने जो पेपर बनाया वो भी अल्लाह ने बनाया है। तो जब तक उस पेपर को फिल नहीं करेंगे मेरे और आपके कहने से ना कोई जन्नत में जाएगा और ना कोई जहन्नम में। तो अल्लाह कहता है सबसे पहले मुझे मानो। काफिर चूंकि अल्लाह को नहीं मानता इसलिए अल्लाह के यहाँ उसका कोई मकाम नहीं है। उसकी जितनी नेकियां हैं, कुरान ने कहा वल्लदीन कफरू अमालुहुम, जो काफिर लोग हैं उनके अमाल की मिसाल का सराब बिकियाती यहसबुहु ज़मआनु माअ, फरमाया जैसे किसी सराब में तुम्हें रेत पे पानी नजर आता है, तुम लालच में वहां तक पहुंचते हो तो वो पानी और आगे चला जाता है, वहां पानी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कहा कि काफिर जो अमल कर रहा है वो उम्मीदें लगा के बैठा है कि मुझे ये मिलेगा, फरमाया जब वक्त आएगा तो करमादिन इश्तद्दत बिहि रीहु फी यौमिन आसिफ, एक राख के पहाड़ की तरह तुम्हारी मिसाल होगी कि राख का पहाड़ देखने में कितना बड़ा लगता है मगर उसका कोई वजन नहीं होता, फूक मारो पूरा पहाड़ उड़ जाएगा। तो ये देखने की हद तक है, इस इनके अमल में जान नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है, ये अल्लाह के लिए, जिसने कायनात को बनाया उसी को नहीं पूछ रहे, जो तुम्हें सुबह शाम नेमतें देता है। अब देखो कुरान में अल्लाह ने कायनात में गौर करने का हुक्म दिया, साइंसदान भी गौर करते हैं, मगर अल्लाह कहते हैं गौर करके खालिक तक पहुंचो, ये मखलूक में ही उलझे रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि साइंसदान जो कायनात में गौर करते हैं गलत करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इतना काफी नहीं है, कायनात में गौर भी करें लोगों की खिदमत भी करें लेकिन खालिक तक पहुंचने की कोशिश भी तो करो आप, किसने बनाया क्यों बनाया, इन दो सवालों का जवाब तलाश करो आप, वो हमसे क्या चाहता है। इस पर कोई बहस ही नहीं है कि वो हमसे क्या चाहता है, वो कहते हैं छोड़ो ये मौलवियों का काम है, ये मजहबी लोगों का काम है। तो ये अल्लाह के जो पैगंबर दुनिया में आए सफीर आए, उन्होंने तो यही हमें बताया, इस कायनात में गौर भी करो और खालिक तक पहुंचने की कोशिश भी करो।